Hello and welcome back to the channel. Today's recipe comes with the promise that this would be the best garlic chicken you'll ever try. That being said, let's prepare the marination. Marination के मसाले के लिए सबसे पहले हम लेंगे कुछ पुदीना पत्ते, दो से तीन हरी मिर्चें, धनिया पत्ते, 15 से 20 कलियां लहसुन और एक छोटी प्याज। इसे अच्छी तरह बारीक पीस लीजिए। तैयार किया हरा मसाला हम चिकन में डालेंगे और फिर डालेंगे एक लेमन जूस। हमने यहाँ बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया है क्योंकि गार्लिक चिकन बना रहे हैं, इसीलिए हम इसमें कुछ और गार्लिक चॉप करके ऐड करेंगे। आप गार्लिक की मात्रा अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो। फिर हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। सूखे मसालों में हम डाल रहे हैं ब्लैक पेपर, हल्दी, धनिया और जीरा पाउडर, एक कप दही। हमने राई यानी सरसों को पानी में भिगोकर उसका बारीक पेस्ट बना लिया था, वो भी हम इसमें मिला लेंगे। और सबसे आखिरी में स्वाद अनुसार नमक। इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसे ओवरनाइट मैरिनेट कर सकते हो। अगर ओवरनाइट मैरिनेट ना कर पाओ तो कम से कम 4 से 5 घंटा ज़रूर मैरिनेट करो। जब चिकन अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका हो और आप इसे फ्राई करने वाले हो, उसके इमीडिएट पहले हम इसे स्मोक दे देंगे। उसके लिए कोयले को अपनी पड़ोसन जितना जला लीजिए और फिर उस पर डालिए तेल या घी और उसे अच्छी तरह ढक लीजिए। लगभग 2 से 5 मिनट तक इसे ढका ही रहने दीजिए। तो चिकन को स्मोकी फ्लेवर भी दे दिया है, चलिए फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए हम एक पैन में थोड़ा तेल डालेंगे। अपने बॉस को जितना बटर लगाते हो उससे आधा बटर आप इसमें डाल दीजिए। जब बटर मेल्ट हो चुका हो तो एक एक करके चिकन के पीसेस इसमें डाल दीजिए। ध्यान रहे हम इसे ओवरक्राउड नहीं करेंगे। गैस का फ्लेम थ्रू आउट आप मीडियम रखोगे। इसे लगभग 10 से 15 मिनट तक एक साइड से पकने दीजिए। जब ये एक तरफ से पूरी तरह पक चुका हो तो इसे पलट के दूसरे साइड से पका लीजिए। याद रखें, अगर आपने चिकन को ओवरनाइट मैरिनेट किया था तो ये ऑलरेडी बहुत टेंडर होगा, इसीलिए इसे पकाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जब आपको लगे कि चिकन अच्छी तरह पक चुका है तो आप इसे निकाल लीजिए। आप चिकन को ऐसे ही ड्राई भी सर्व कर सकते हो। बट आई डू नॉट लाइक टू वेस्ट द मैरिनेशन, इसीलिए हम बची हुई मैरिनेशन का भी यूज़ करेंगे। उसके लिए मैंने सेम पैन में थोड़ा ऑयल डाल के गरम कर लिया था, उसमें मैं बाकी बची मैरिनेशन डालकर उसे अच्छी तरह पका लूँगी। मैरिनेशन पक जाने पर हम उसमें हमारे फ्राइड चिकन पीसेस डालेंगे और उसे अच्छी तरह कोट कर लेंगे। आप चाहो तो ग्रेवी ऐसे ही रखकर रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हो, पर अगर आप इसे स्टार्टर्स की तरह सर्व करना चाहते हो तो चिकन को अच्छी तरह मैरिनेशन में कोट कर लीजिए और पूरा मसाला सुखा लीजिए। उसके बाद आप इसे कोई भी चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारी रेसिपी आपको कैसे लगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, खुद का ख्याल रखें। बाय बाय।